नमस्कार, फेक एनकाउंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। सुब्रमण्यम स्वामी ने इंटरव्यू देने के मामले में मुझे कभी निराश नहीं किया, इसलिए इस बार भी जब मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने छूटते ही कहा कब आना चाहते हैं। फिर उन्होंने खुद ही कहा ऐसा कीजिए, शाम को 4 बजे आइए, साथ में चाय पियेंगे। जब मैं पहुंचा उनके घर तो देखा कि वो मेरा इंतजार ही कर रहे थे, सामने टेबल पर चाय भी लगी हुई थी। हम लोग साथ साथ बैठ गए, वो चाय बनाने लगे खुद ही। चाय बनाते बनाते उन्होंने जिक्र भी छेड़ दिया तरह तरह की बातों का। सबसे पहले तो मीडिया की बात निकली और वो मीडिया पर एक तरह से हमलावर हो गए, बार बार प्रहार करने लगे तरह तरह से कि आपका मीडिया बर्बाद हो चुका है, खासतौर पर न्यूज चैनलों की बर्बादी तो देखते नहीं बनती। उनका कहना था कि ये जो बड़बोले एंकर है ना, इन्होंने आपके न्यूज चैनल को हाईजैक कर लिया है और उसको तबाह किए दे रहे हैं। अगर उनके हाथ से ये चैनल न छीने गए तो चैनलों की कोई क्रेडिबिलिटी बचेगी नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझे चाय पकड़ाई, खुद भी चाय ली और चाय पीने लगे। इसके बाद वो सरकार पर आ गए, उन्होंने एक एक मंत्रालय का पोस्टमार्टम किया और सबसे ज्यादा वो नाराज थे वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री पर। उन्हें लग रहा था कि अर्थव्यवस्था तबाह कर दी गई। चाय खत्म करने के साथ ही मैंने उनसे सवाल किया, सुब्रमण्यम साहब पिछली तिमाही में विकास दर जीडीपी की घटकर 4.5% रह गई है, ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने मुझे टोका और बोला 4.5% नहीं 1.5%, मेरे हिसाब से 1.5% है। मैंने कहा आपके हिसाब से मतलब? बोले 4.5% सरकारी आंकड़ा है। इस सरकार ने, मोदी सरकार ने आते ही जीडीपी को मेजर करने का फार्मूला बदल दिया था, इसलिए वो बढ़ाकर आंकड़े बताता है। असल बात यह है कि 1.5% के आसपास विकास दर है हमारी, अर्थव्यवस्था रसातल की ओर जा रही है ये उन्हें पता नहीं है। मैंने कहा लेकिन वित्त मंत्री तो कह रही हैं कि चिंता की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। वित्त मंत्री को अर्थव्यवस्था का कुछ पता नहीं है, वो इकोनॉमिक्स का ई नहीं जानती। शी इज अ बिग जीरो आई टेल यू। देखिए वो महिला हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं, नहीं तो आप लोग तिल का ताड़ बना देंगे। अन्यथा हालात तो बहुत बुरे हैं और उनसे संभल रहे। मैंने कहा आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था की सेहत इतनी खराब हो गई है? उन्होंने कहा खींचते हुए, अरे बाबा मुझे नहीं लगता, पूरी दुनिया को लग रहा है, आप देख क्यों नहीं रहे? कोई अंधा भी देख कर कह सकता है कि अर्थव्यवस्था का कबाड़ा निकल गया है। विश्व बैंक, मुद्रा कोष क्या कह रहे हैं, जरा उन पर गौर कीजिए। आपकी जीडीपी की विकास दर कैसे धीरे धीरे नीचे आ गई है, इसको ध्यान में रखिए। इंडस्ट्री का डाटा क्या शो कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने हमें निगेटिव कैटेगरी में डाल दिया है। बेरोजगार की संख्या बढ़ रही है, जॉब मिल नहीं रहे हैं, तो ये क्या बता रहे हैं? अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है। लेकिन वित्त मंत्री तो कह रहे हैं कि उन्होंने हाल में जो कदम उठाए थे उनसे हालात बेहतर हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था की हालत सुधर रही है। खाक सुधर रही है, बिल्कुल नहीं सुधर रही है। असल में पता नहीं ये वित्त मंत्री महोदया किस दुनिया में रह रही हैं। मुझे तो ये लगता है कि अफसर उनको जो समझा देते होंगे वो समझ लेती होंगी और उसी पर खुश हो रही हैं, अन्यथा हालात तो बहुत खराब है, बद से बदतर होते जा रहे हैं। मैंने कहा लेकिन प्रधानमंत्री तो उनके काम से खुश हैं। बोले कि प्रधानमंत्री को चापलूस पसंद है, वो ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी ना हो, इसलिए निर्मला का काम चल रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि इस पूरे मंत्रिमंडल में चापलूसों की संख्या भरी पड़ी है। कोई भी खड़े होकर मोदी से सवाल नहीं कर सकता, कोई भी ये नहीं कह सकता मोदी जी ये चीज गड़बड़ हो रही है, इसको सुधारना चाहिए। वो जानते हैं कि अगर मोदी जी नाराज हो गए तो उनको दंड भी देंगे। लेकिन ये बताइए कि कॉरपोरेट्स को जो पैसा दिया गया था उससे तो कुछ फर्क पड़ा होगा? फर्क नहीं पड़ा, उल्टा असर हुआ है। दरअसल ये वित्त मंत्री और ये सरकार ये नहीं समझ रही है कि प्रॉब्लम डिमांड में है, सप्लाई में नहीं है। डिमांड को ठीक करना चाहिए और उन्होंने सारे छूट रियायतें कॉरपोरेट को दे दी, कॉरपोरेट उनको हजम कर गया, इकोनॉमी में पैसा आया नहीं, तो कोई रिवाइवल कैसे होगा, कैसे सुधार होगा? इसलिए
हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि निर्मला सीतारमन तो अभी 5 महीने से ही वित्त मंत्री है ना, ये हालात 5 महीने में तो नहीं बिगड़े हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि हालात 5 महीने में नहीं बिगड़े, जेटली के समय से ही खराब होने शुरू हो गए थे। जेटली ने ही बर्बादी की नींव रख दी थी और सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया, वार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करके। नोटबंदी की वजह से अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और वो आज तक सुधर नहीं पाई है। इसके बाद वो GST को लागू कर दिया बिना सोचे समझे जल्दबाजी में, और एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जिससे अर्थव्यवस्था सुधरने के बजाय बिगड़ती चली गई। लेकिन ये बताइए कि अर्थव्यवस्था क्या इतनी बुरी हो गई? बहुत बुरी हो गई, और बुरी होने के जिम्मेदार ये सरकार और प्रधानमंत्री हैं। असल में आप लोगों ने बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया। अब बंदरों के हाथ में उस्तरा रहेगा तो या तो वो दूसरों का गला काटेंगे या अपना गला काटेंगे, यही हो रहा है इसी सरकार में। मैंने कहा देखिए आप बीजेपी के मेंबर हैं, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, और आप इन सब की इतनी कटु आलोचना करते हैं, क्या ये ठीक है? मैं सच बोलता हूं, पहले भी सच बोलता था, आज भी सच बोल रहा हूं और कल भी सच बोलूंगा। मुझे किसी का डर नहीं है, पार्टी में रहूं या निकाल दिया जाऊं, लेकिन मैं सच बोलना बंद नहीं करूंगा। और सच यही है कि ये हालत सरकार की खराब है, और अर्थव्यवस्था की नहीं सरकार की भी हालत खराब है, क्योंकि उसका ग्राफ नीचे आ रहा है। देखिए आपको याद होगा मैंने कहा था कि मोदी की लहर नहीं हिंदुत्व की लहर है, आप लोग कोई मान नहीं रहे थे। अगर पुलवामा ना हुआ होता तो ये और भी प्रूफ हो जाता कि मोदी की लहर नहीं हिंदुत्व की लहर है। तो मेरी बात मानिए, सच यही है कि सरकार का ग्राफ नीचे आ रहा है, वो अलोकप्रिय हो रही है, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं उसका। आप क्या चाहते हैं, क्या अर्थव्यवस्था में क्या किया जाए? देखिए मोदी जी के को समझाना तो मुश्किल है, लेकिन अर्थव्यवस्था में अब लोग चाहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ें, रोजगार बढ़े, काम बढ़े, और उस दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि आप क्रुद्ध इसलिए हैं, इस तरह से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं क्योंकि आपको उन्होंने वित्त मंत्री नहीं बनाया। ये तो सही बात है कि मैं वित्त मंत्री बनना चाहता था, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर मैं अर्थव्यवस्था को समझता हूं, और मुझे लगता है कि अगर मैं वित्त मंत्री रहूंगा होता तो मैं चीजों को बेहतर ढंग से संभाल सकता था। तो क्या प्रधानमंत्री को आपका चेहरा पसंद नहीं है? चेहरा तो पसंद नहीं ही है, दरअसल वो जानते हैं कि मैं बहुत मुंहफुट आदमी हूं, मैं कुछ भी बोल सकता हूं, मैं सच बोलने से पीछे नहीं हटता, इसलिए वो मुझे कभी वित्त मंत्री नहीं बनाएंगे। अच्छा ये बताइए कि आप तो जानते हैं कि प्रधानमंत्री हार्ड वर्क पसंद करते हैं, हार्वर्ड पसंद नहीं करते। हार्ड वर्क क्या होता है? हार्ड वर्क के लिए भी आपको दिमाग लगाना पड़ता है, बिना दिमाग के हार्ड वर्क का कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। और अगर प्रधानमंत्री ये आप कह रहे हैं हार्ड वर्क, और 10 दिन में 10 ड्रेस बदलना हार्ड वर्क है, या लंबे लंबे भाषण देना हार्ड वर्क है, या विदेशों में जाके तमाशा करना हार्ड वर्क है, तो मैं इससे असहमत हूं, ये कोई हार्ड वर्क नहीं है। हमें हार्ड वर्क भी चाहिए और हार्वर्ड भी चाहिए, तभी ये इकोनॉमी ठीक होगी। लेकिन ये बताइए कि अब अर्थव्यवस्था जहां पहुंच गई है, अब उसके लिए क्या आपको आगे क्या दिख रहा है? देखिए मंदी बिल्कुल सामने खड़ी है, हमारे दहलीज पर खड़ी है, और प्रधानमंत्री और ये सरकार उसे देख नहीं रही, देख भी लेगी तो उसमें कुवत नहीं है इसको ठीक करने की। इसलिए मुझे तो भविष्य बहुत ही बुरा दिख रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई हालात सुधरेंगे, और प्रधानमंत्री और सरकार का ग्राफ भी नीचे जा रहा है। अब बीजेपी उतार पर है, मैंने कहा लेकिन अगर सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह करेगी सरकार तो हालात फिर से बदल जाएंगे। अब ये सर्जिकल स्ट्राइक का फार्मूला नहीं चलने वाला है, ये गेम पूरे देश समझ चुका है। सर्जिकल फर्जिकल कुछ काम नहीं आएगा, अब काम आएगा तो केवल अर्थव्यवस्था का रिवाइवल। लोग केवल ये चाहते हैं कि अब अर्थव्यवस्था सुधरे, और तभी वो मानेंगे और तभी मोदी जी के पास वापस वोटर आएंगे। मैंने कहा तो वित्त मंत्री अगर आपको बना दिया जाए या बुलावा आए तो आप जाएंगे? मैं तो तैयार बैठा हूं, बस मोदी जी आदेश करें और मैं पद संभालूंगा, और मुझे यकीन है कि मैं
बहुत सारी चीजें ठीक कर सकता हूं। मैंने सुब्रमण्यम स्वामी का धन्यवाद कहा और फिर चुपचाप बाहर निकल आया। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी वो आदमी है जो किसी सरकार के पीछे, किसी प्रधानमंत्री के पीछे, किसी नीचे नेता के पीछे पड़ जाते हैं तो फिर उसका भविष्य अधर में तो लटक ही जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी अगर सुब्रमण्यम जी को सुन रहे होंगे तो जाहिर है कि उनके मन में कुछ ना कुछ जरूर चलेगा सुब्रमण्यम स्वामी का, या तो वो मुंह बंद करना चाहेंगे या उनको अपने साथ लाना चाहेंगे। बहरहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।